गाड़ी में पेट्रोल एकदम कम है, तो सोचे आज गांधी मैदान वाले पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हैं, क्योंकि बहुत दिन बाद अप्रॉक्स 5-6 साल बाद मैं यहाँ पेट्रोल डलवा रहा हूँ। और मौसम ठंडा है लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा है, और सामने जूस है, पीते हैं यहाँ पे। कैसे पिला रहे हो? 20 का पिलाओ ना। दोपहर में तो खास करके पटना टाउन से निकलने में बहुत दिक्कत होता है भाई। और ये गांधी मैदान के बगल वाला यानी मोना सिनेमा से लेके चिल्ड्रन पार्क वाला रोड पता नहीं कब से बन रहा है और कब तक बनेगा ये भी नहीं पता। फिलहाल आगे चिल्ड्रन पार्क से हम मैरिन ड्राइव पकड़ लेंगे गोलघर के पास से। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बहुत स्वागत है आप लोग का फिर से एक न्यू ब्लॉग में। और ये मरीन ड्राइव इंट्रो दे रहा हूँ क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा पिक पाक हो रहा था। तो अभी चल रहे हैं हम गोपालगंज वापस घर, क्योंकि पटना में बहुत दिन से 10-15 दिन से पटना में ही थे। और अभी शादी का सीज़न चल रहा है ना, बहुत दोस्त लोगों का शादी भी है, इसलिए अपन निकले हुए हैं फिर से गोपालगंज। और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज रहा है, 2:15 यानी 2:15 हो रहा है। और दिन में जाने का रीज़न ये था कि कल सुबह निकलना था, लेकिन मौसम अभी ठीक है, उतनी गर्मी नहीं है, तो सोचे कि अभी शाम में ही निकल जाते हैं, इसीलिए आपको इतना ट्रैफिक दिख रहा है। बस बारिश ना आए रास्ते में गाइस, वरना बारिश आए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप है बैग में और बैग भी वाटरप्रूफ नहीं है और कपड़े भी बहुत है। अगर कहीं बारिश मिलेगा तो छुपना पड़ेगा पक्का। क्या मौसम हो रखा है, एकदम सही टाइम पे निकला हूँ मैं, एकदम सही टाइम पे। बस आगे धूप ना मिले वरना सब मजा किरकिरा हो जाएगा। कभी बिहार में तबाही मचने का टाइम आ चुका है, क्योंकि नेपाल के चारों गराज से पानी छूटा हुआ है। और ये देखो अभी पूरा फुल है नदी, लेकिन जैसे ही वो मतलब मुश्किल से 1 से 2 दिन में पानी जैसे यहाँ पहुँचेगा हमारे बिहार में, नदी में एंट्री करेगा, तो फिर तो जो उफान मारेगा नदी भाई, नेक्स्ट लेवल होने वाला है। तो देख रहे हो ये गंगा नदी है, गंगा। खतरनाक लिख रहा है, खतरनाक देखो। ये देखो भाई, सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट इसी वजह से होता है, ये लोग गाय खोल खोल के छोड़ देते हैं और हाईवे पे एकदम आ जाएंगे ये सब। देख रहे हो बाप का रोड है ना, तो मौसम का मजा लेते रहो भाई लोग। और ये है रेल पहिया वाला रोड, एक वक्त था कि जब ये रोड बिल्कुल भी चालू नहीं था 2014-15 में, मतलब 6 बजे के बाद इस रोड में कोई नहीं आता था। और अभी देख लो, अभी तो ऐसे भी देख लो कि मौसम कितना सुहाना हुआ है, मतलब मजा आ रहा है। अभी सही समय पे मैं निकला हुआ हूँ, एकदम मजा आ रहा है भाई, मजा, बहुत मजे आ रहे गाइस, बहुत। दिन में अगर आप सुबह में पटना टू गोपालगंज जाओगे ना, अप्रॉक्स 2.5 घंटे लगेंगे, अप्रॉक्स 130 या 140 किलोमीटर है, 2.5 घंटे इनफ है, रोड ये पूरा खाली रहता है। लेकिन अगर दिन में जाओगे ना आप, तो 3 घंटे कम से कम लगने वाला है, क्योंकि कहीं के बहुत अधिकतर रोड सिंगल है, तो दिन में क्या होता है कि थोड़ा ट्रैफिक रहता है, इतना ही ट्रैफिक है, फिर भी सिंगल रोड में आप ओवर स्पीड तो चला नहीं सकते।
तो भाई अभी शॉर्टकट रास्ता पकड़ा हूँ, क्योंकि रीज़न ये है कि अगर लॉन्ग कट जाऊँगा तो 10 किलोमीटर और ज़्यादा पड़ेगा, और मौसम देखो इतना खतरनाक है ना कि बारिश मतलब कभी भी आ सकता है। लेकिन इस शॉर्टकट रास्ते पर दिक्कत ये है ना कि अगर कहीं बारिश आता है तो छुपने का जगह भी नहीं है। लेकिन ये 10 किलोमीटर थोड़ा शॉर्ट पड़ेगा ना, इसलिए मैं इधर से जा रहा हूँ। भाई साहब ये देखो भाई, एक से काल लोग हैं, अभी एक छोटा सा गड्ढा बचाने के लिए एकदम पूरा लेफ्ट मार दिया। ये देखो ये वाली बारिश तो होनी है भाई, ये वाली। और ये रोड देखो एकदम सुनसान, एक भी गाड़ी नहीं दिखने वाला आपको, आप देखते चलो। फाइनली बहुत देर तक बारिश रुक गया और हम अभी पता है घर से सिर्फ 20 किलोमीटर और दूर हैं। अब यहाँ से अगर बारिश आता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, छुप जाएंगे कहीं, लेकिन बहुत हद तक बच गए। तो फाइनली अभी गांव में पहुंच गए और बारिश अभी तक नहीं आया, तो बहुत बहुत शुक्रिया बारिश को भी। और फाइनली पहुंचने ही वाले हैं, ये देखो सामने घर आ गया। आप लोग तो बहुत सारे वीडियो में देखे ही हो, राइट साइड वाला है। किस्मत बोलती पब्लिक, और घर आते ही बारिश शुरू हो गया। भाई साहब खतरनाक वाला पानी गिर रहा है, बाढ़ मंगा के रहेगा। तो भाई एकदम आते से बारिश का कहर पूरा यहाँ शुरू हो चुका है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा।